وقار صاحب مجھے آپ کی بزنس کا انداز بہت پسند آیا, دو منٹ میں بات ختم ہو گئی, آپ کانٹیکٹ ٹائپ کروا دیجیے, اسے کر کے رکھیں. سنیے وقار صاحب, آدھ گھنٹہ لگے گا اور ڈیٹ کمپلیٹ. میں نے ارد کیا تھا, میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ آج کا کام کل پہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اسی لیے یہی آج تک میرے بزنس کا اصول ہے. دیکھیے صاحب, یہ ٹائم میری بیٹی کا ہے اور بیٹی کا ٹائم بزنس کو نہ دو, یہ میرا اصول ہے. کیا وقار صاحب کو اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے؟ جی ہاں, شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہو. تھوڑی سی آزادی چاہتی ہوں جو آپ مجھے نہیں دے رہے. وقت پہ اٹھو, وقت پہ کھاؤ, وقت پہ چلو, یہ زندگی تو نہ ہوئی, قید ہو گئی. اس لیے میں اس گھٹن سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں. آپ کے گھر ہے؟ نہیں, یہاں تو نہیں آئی. کیوں پتہ نہیں, گھر سے کہیں چلی گئی. وقار میاں, اگر
अपने बच्चे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। हम पुलिस वालों को पत्थर मत समझो विकार, शहर के तमाम बच्चे हमारे अपने बच्चों की तरह है। मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारी बच्ची नहीं मिल जाती मैं दफ्तर छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। प्लीज अब तुम घर जाओ और हिम्मत से काम करो। कॉलेज की हद तक गड़बड़ मत करा वरना तेरा पापा मार जाएगा। नहीं नहीं पापा, पापा, I promise पापा, मैं ऐसा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी पापा, कभी नहीं करूंगी। जी आगा जी। बिल्ली? जी हाँ मिल गई। कहाँ से? घर ही पर थी, बिल्ली के बच्चे देखने गई थी। यानी बेटी घर पर थी और तुम सारे जहान में ढंडोरा पीटते फिरे हो? ये बदहवासी, ये हिमाकत नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम्हें मालूम है हमारे दिल पर क्या गुजरी? न जाने कितनी मन्नतें मांगी हैं, कहाँ कहाँ टेलीफोन नहीं किया, अब तक 36 काले कर चुका हूँ। नानू जान, बिल्लाए तो घर भिजवा दीजिएगा। चले बाप की लाडली, हमारा दिमाग खराब कर दिया। नानी जान के सदके में माफी मिल सकती है ना? चलो माफ किया। और पापा को? उसे भी माफ किया। फिर एक पप्पी करे? अच्छा अच्छा, बस शैतान की खाला। थैंक यू नानू जान। क्या बात है, अभी तक बनमानस नहीं आया। हाँ, हो गया बुड्ढा, फंस गया। की इज्जत जमीन पड़ी। ओ बटाला, अरे फुटबॉल को देखे बुटा। अबे ये तेरी हरकत है, क्या डांस कर रहा है? अरे मैं क्लिनिक कैसे जाऊंगा? अरे तू बोला अस्पताल जाएगा, मैं लेके जाऊंगा, उठा मेरे काम देना। खुदा करे तू बाथरूम में फिस ले, तेरे काल में मोच है। और फिर ओहो,
चाहिए। चलो गाड़ी में पहन लेना, चलो बहुत देर होगी। जल्दी आओ। पापा पापा एक मिनट की पकड़े, मैं जूते पहन लूं पाँव गंदे हो जाएंगे। ओहो आपको जल्दी थी तो आप चले जाते ना, मैं ड्राइवर के साथ आती। अरे बेटे कहने को तो ये जरा सा काम है, लेकिन तू मेरी जिंदगी का ऐसा सरमाया है जिसे मैं किसी को नहीं सौंप सकता। छोड़ दे गाड़ी, गाड़ी में बांध लेना ना। चलो हेलो। हाँ बेटे, हाँ कहाँ से बोल रही हो? हाँ कैसा हुआ पेपर बेटे? बहुत अच्छा हुआ पापा, अब कल से छुट्टी है। मेरी सहेलियाँ मरीज आ रही हैं, वो मुझे कह रही हैं कि मैं भी उनके साथ चलूँ। मैं चली जाऊँ पापा? बेटे अभी मैं एक पार्टी से बात कर रहा हूँ, तुम घर आ जाओ। हाँ वहाँ बात कर लेंगे। हाँ बेटे ओके पापा। इजाजत नहीं मिले पापा, इस वक्त बहुत बिजी है, घर आके बात करने को कहा है। वो मान जाएंगे ना? मुझे आज तक याद नहीं मैंने कोई बात की हो और पापा ने इनकार किया हो। फिर भी हम तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे, ठीक है? ठीक है। थैंक यू अंकल। थैंक यू वेरी मच मिस्टर वकार। थैंक यू। गुड नाइट। सूरज मगरिब से निकल सकता है, लेकिन पापा की रूटीन नहीं बदल सकती। फिर उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा? मुझे लेने खुद क्यों नहीं आए? पता नहीं बीबी, ऑफिस से निकलकर बोले मुझे घर ड्रॉप कर दो और रूबी बीबी को ले आओ। क्या बात है? ये नर्स पापा का है? डॉक्टर नाना क्या हुआ मेरे पापा को? चुप क्यों है? बताते क्यों नहीं? पापा, पापा, पापा। जोर ना करो बेटी। डॉक्टर नाना आपके हाथ से पापा का हाथ क्यों गिर गया? मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे पापा को बचा ले। अपने पापा के सुकून का ख्याल रखो बेटी, और कोई ऐसी बात ना करना जिससे तुम्हारे पापा को तकलीफ पहुंचे। नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पापा को बचा ले। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, नहीं कभी कोई बात नहीं करूंगी। हेलो हेलो फरजाना तुम चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरे पापा की हालत बहुत खराब है। कहाँ ना नहीं जा सकती? डॉक्टर नाना आप मेरे पापा को छोड़कर जा रहे हैं? प्लीज एक दिन क्लिनिक न जाइए, मेरे पापा के पास रहिए ना। तू ऊपर जाओ बेटी, जरूरत पड़े तो फिर बुला लेना। फिर बुला लेना? या अल्लाह मियां मेरे पापा को कुछ ना हो। वो सब ड्रामा था तुझे इस्लामाबाद जाने से रोकने के लिए। तू चली जाती ना तो तेरा पापा तेरी जुदाई कैसे बर्दाश्त करता? पापा आपने मेरे साथ फाउल गेम खेली, मुझे झूठ बोला, मेरा दिल दुखाया, मुझे रुलाया। आपने ऐसा क्यों किया पापा, क्यों किया? उस दिन तूने मुझे रुलाया था, आज मैंने तुझे रुला लिया, हिसाब रहा। आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर। पहले वो लोग जाएंगे जिनके नंबर है, बैठिए इधर।
तुम नए मालूम होते हो, वरना आज तक मुझे अंदर जाने से किसी ने ना रोका ना टोका। हाँ ठीक है, बजा फरमा रहे हैं, लीजिएगा चिट्ठी दीजिएगा। ला दे दो जाके। अच्छी बात है, बैठिए इधर। ये कोई साहब है, बहुत गुस्से से बोले, चिट अपनी डॉक्टर को दो। इसे सबसे बाद में भेजना, और अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ करे तो पकड़ के बैठा देना। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने हुक्म दिया है आपको सबसे अखीर में भेजें। ना ना पाजी उल्लू। हाय, मुझे कुछ कहा? आप आए, आप नहीं, आप आइए। यह है आपका नुस्खा। आप आए, आप नहीं, आप आइए। जनाब चलिए, आपका नंबर आ गया। देख लूंगा तुझको भी और तेरे डॉक्टर को भी। अबे गधे, तुम बाहर जाओ जी। अच्छा जी, मुझे इंतजार करा के तूने बेइज्जत किया है। अबे लंगड़े, इस बुढ़ापे में कहां टांग अड़ा दी थी तूने? अबे तूने बद्दुआ दी थी, गुसलखाने में फिसल गया हूं। अल्लाह ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। अगर मैं डॉक्टर ना होता तो आधा वली होता। तू चोर होता, मुर्गी चोर। मैं मुर्गी क्यों? तू ले 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 तू। अबे लेट ना, नखरे क्या कर रहा है? लेट रहा हूं ना। अब इस पैर में चोट लग? इसमें इसमें। अच्छा तो कहां है बेटे? यहां ये। क्या कर रहा है बुड्ढे बनमानस? अबे ठोक बजा के देख रहा हूं कि कहां कहां से तू टूटा है। मुझे डॉक्टर नहीं किसी पढ़ाई का बच्चा मालूम होता है। बकबक बंद कर। क्यों? मैं थक गई हूँ पापा। चलो तुम यहाँ ठहरो, मैं राउंड लेकर आता हूँ। कंपनी की जरूरत है जी? ये खादिम हाजिर है। अच्छा, जुबी, अरे बेटा क्यों मार रही हो इस टीबी के मरीज को? पापा, इसने मुझे अकेला समझ के छेड़ा था। उल्लू के पट्टो, तुम तो सड़कों के ऊपर, बसों में, स्कूलों में बच्चियों का जीना हराम कर दिया। कैसे भाग रहे? अरे
अरे बेटा क्या बात है, अभी तक बेड पे पड़ी हो, नाश्ता नहीं करना? वाह, सर में बहुत दर्द है। सर में दर्द है तो बताया क्यों नहीं? क्या करने लगे पापा? डॉक्टर को फोन करना बेटा। नहीं पापा। अरे बेटी जी नहीं मालूम, सर का दर्द बहुत बुरी चीज होता है। पापा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, बस आप जल्दी से ऑफिस जाइए। ऑफिस? लेकिन मैं ऑफिस में काम कैसे करूंगी? जैसे रोज करते हैं, जाइए ना पापा प्लीज। और हाँ, आज शाम को जल्दी घर आइएगा, मैं आपको ठीक ठाक मिलूंगी। लेकिन बेटी नहीं। पापा अच्छे बच्चों की तरह काम पे जाइए, चलिए चलिए। आपका अच्छा देख तो लेटी रहना, हिलना मत। प्रॉमिस बच्चे। अच्छा अच्छा बेटे एक बात बताऊँ, दफ्तर में मुझे आज ज्यादा काम नहीं, मैं नहीं जाता। जानती हूँ ज्यादा काम नहीं, चलिए आप चलिए। अच्छा तुम लेटी रहना, हिलना जुलना मत बिल्कुल, आराम से। सर टाइम तो बहुत लगा है, लेकिन प्लाजा का जो प्लान तैयार हुआ है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन कराची। आपके सर में कभी दर्द हुआ है? जी नेवर। अरे बेटा तुझे नहीं मालूम, सर का दर्द बहुत बुरी चीज होता है। सर दर्द की सबसे अच्छी दवा कौन सी होती है? जी वो सर मैंने आपको बताया ना कि वो एस्पिरिन है। वैसे बेटे एक बात बताऊँ, दफ्तर में मुझे कोई ज्यादा काम नहीं, मैं नहीं जाता। जी जानती हूँ ज्यादा काम नहीं, लेकिन आप जाइए। लेकिन मुझे ये बताए आपको ये प्लान कैसा लगा? प्लान कौन सा प्लान? सर ये जो आपके सामने है। सॉरी एजाज, ये प्लान कल डिस्कस कर लेंगे। ओके बाय बाय। सबने सुन लिया? देखो रात की पार्टी में अगर कोई कमी कोई कसर रह गई तो तुम्हें से किसी की खैर नहीं है। अच्छा भी उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हें आप इतनी जल्दी से आ गए? पहले तो सर में दर्द था, फिर ये काम। समझने की कोशिश करें ना पापा, अगर सर पे मौजूद नहीं तो कोई काम ढंग से नहीं करता। घर बनाना बहुत आसान है लेकिन उसे सजाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बेटे ये सजाने की जरूरत क्यों पेश आ गई तुम? जरूरत ही ना पापा। और हाँ आपका नया सूट भी सिल के आ गया। नया सूट? वो किस लिए? कुछ लोग आ रहे हैं ना। लोग क्यों आ रहे हैं? आपको देखने। शरीर कहीं गया मुझे देखने। पापा सुने, आप सबके सामने ऐसे सच बन के आए कि आपको जो देखे फिश फिश फ्लैट हो जाए। मगर बेटे क्यों? पूछे बिना नहीं कर लेंगे। हाँ। कान इधर लाए। आइए आइए आइए, मैं आप ही के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी उस दिन। कॉमेडी क्यों की मेरे साथ? वो तो मैंने तेरे बाप के कहने पर किया था बेटी। आप डॉक्टर हैं? आधा डॉक्टर और आधा मस्करा, और यही मेरी सेहत का राज है। चले अंदर आइए आइए आइए। अरे बेटी ये सब क्या है? अरे आपको नहीं मालूम नानू, आपकी शादी हो रही है। अच्छा। अल्लाह शर्माना तो कोई इनसे सीखे। किस बुढ़िया को राजी कर लिया है? नानू पास आ जाओ, इस उम्र में भी राजी हो गए, छिन तो नहीं आती। चले अंदर, लड़के को ले चलो। आए चलो। चलो मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और वो भी बिन बुलाए। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं। मेरा नाम शमा है। मैं जूबी हूँ, वकार साहब की बेटी। जी आइए आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया। मैंने आपको बुलाया और आप चले आए ये पूछे बगैर कि क्या बात है। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, आप में से कोई बताए कि क्या बात है। मैं
सोचा और तुम आ गई। मैं आपको अच्छी लगती हूँ। बेहद। आओ बैठो। चाय पियोगी? आप लाएंगे? अपने हाथ से। और कौन रहता है? मैं हूं और तुम हो। लेकिन मुझे आए तो भी कुछ ही देर हुई है। मुझे यूं लगता है जैसे तुम अपनी पैदाइश से पहले से हुई हो, सदियों से, जन्मों से मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? किससे करती हूँ? क्यों, कोई चचा नहीं? नहीं, ये बात नहीं। कभी कभी ये दिल जिसके लिए जहां रुकने को कहता है, आदमी वहीं रुका रहता है, एक इंच आगे नहीं बढ़ पाता। वो कौन है? था कोई, था नहीं, अब भी हैं। जो भी कहने
गए थे बेटा? मेरी क्षमा से। कैसी खातून है? अच्छी है बेटा। अच्छी के बहुत अच्छी। देखिए ये तो वही बता सकता है जो उन्हें करीब से जानता हो। आप कहाँ तक जानते हैं बेटे? जब मैं और तुम्हारी मम्मी पढ़ते थे ना तो ये हमारी क्लास फेलो थी। तुम्हारी मम्मी में और इनमें हमेशा मुकाबला होता था। कभी तुम्हारी मम्मी जीत जाती थी और कभी ये। और आखिरी मुकाबला मम्मी जीत गई। वो कैसे? आपकी शादी करके। पापा अगर इस वक्त मम्मी बीच में ना होती तो शायद आज वो मेरी माँ होती। ये तुम कैसे कह सकती हो बेटे? आज उन्होंने मेरा माथा चूमा। उनके होठों में वही मिठास थी जो एक माँ के होठों में होती है। पापा वो बहुत अकेली है, बहुत दुखी है। कैसे नहीं हो सकता कोई उनके दुख बांट ले। इस दुनिया में अपने अपने दुखों का बोझ उठाए हर शख्स अकेला है बेटी। तुम किस किस के दुख बांट रही? बता भी सही। आपको नानी जानगी के फ्रॉम जनाब साहब ये क्या हरकत हो रही है? क्या हरकत हो रही है? आपकी तस्वीर सजा रहा हूँ। जी नहीं जनाब, ऐसी तस्वीरें तो मरने के बाद सजाई जाती है के वो उन पे फूल भी चढ़ाए जाते हैं बाकायदगी के साथ अटैचमेंट शो करने के लिए। ऐसी तस्वीरें इसलिए लगाई जाती हैं, सजाई जाती हैं कि आने वाला फौरन पहचान जाए कि घर किसको बिलोंग करता है। जी नहीं, जिसे प्यार किया जाए उसकी तस्वीर वहाँ नहीं होती। यहाँ मुझे दिल में। हाँ यहाँ भी होती है। यहाँ भी है। कहाँ है? ये है। सादिया जानती हो आज तुम्हारी बेटी ने क्या कहा? उसका मासूम जहन किसी के दर्द से मुतासिर हो गया। कहने लगी उसके दुख बांट। उसे कैसे समझाऊं कि हुस्न से भरे इस शहर दुनिया में तुम्हारे अलावा नजरों में कोई चचा ही नहीं। तुम्हारी ये तस्वीर इस दीवार पर ही नहीं मेरे दिल के आईने में सजी हुई है। मेरी सुबह, मेरी शाम, मेरी मंजिल, मेरी तकदीर सिर्फ तुम। कभी सपनों में आकर अपनी बेटी को समझा देना कि वो अपने पापा से कोई ऐसी जिद ना करे जो मैं पूरी ना कर सकूं। पापा मुझे माफ कर दें। पापा मुझे नहीं मालूम था आप मम्मी से इतना प्यार करते हैं। सॉरी पापा। नानू जी ये क्या हो रहा है? भाई देख रही हो ब्रेकफास्ट हो रहा है। दिन के 12 बजे? अभी जागा हूँ बेटी। अच्छा आप जल्दी से इसे छोड़े और तैयार हो जाएं। हरी अब। भाई कहाँ जाना है? आगा जी हम लोग मरीज आ रहे हैं, इसकी जिद है कि आप भी चलें। जूबी बेटी ये इस काबिल है कि इसे कहीं साथ ले जाया जाए। लो आ गए शैतान। बेटी ये वबाले जान बन जाएगा, अपने पैरों पर जाएगा और तुम्हारे पापा के कंधों पर आएगा। बकता जाए जी में आए।
डॉक्टर नानू, आप मेरे सामने तो मेरे नाना को बेइज्जत ना किया कीजिए। बेइज्जत तो वो होता है बेटी जिसकी कोई इज्जत हो। तुम जाओ, इसे मेरे लिए छोड़ जाओ वकार बेटे। अच्छा नानू, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ आगा जी। खुदा हाफिज़। अबे बुड्ढे, तू गोली मार देने के लायक है तो मार दे, मगर क्या करूं, यार भी है। अबे चाय नहीं पूछेगा? ले थूर से, बनाता हूं चाय तेरे लिए। अब चार चम्मच चीनी भी पिएगा। एक चम्मच। डॉक्टर हूं मैं। हेलो। अरे तुम आ गई, हमारे साथ तो आई नहीं, देखो पापा के साथ आ गई है ना। पता है उस दिन उन्होंने मुझे रोकने के लिए कितना बड़ा ड्रामा खेला था। अच्छा अब आ गई हो ना तो हमारे साथ रहोगी? नहीं भाई, मेरे पापा अकेले रह जाएंगे। भाई तुम्हारे पापा को बच्चे तो है नहीं कि कोई परी उठा के उन्हें ले जाएगी। तुम मुझसे फ्री हो, लेकिन मेरे पापा के बारे में फ्री होकर बात करने की जरूरत कैसे की तुमने? तुम इतनी बदतमीज होगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या कह दिया है मैंने? तुमने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम तो नाराज हो गई। नाराज? मेरा दिल करता है तुम्हारा सर तोड़ दूं। अरे जूबी, क्या बात है बेटा, क्यों लड़ रही हो? पापा, जो आपकी इज्जत ना कर सके वो मेरी सहेली नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दो जूबी, सॉरी। चलो गले मिलो, सुलह करो। चलो चलो कोई बात नहीं। अच्छा जाओ, इसी खुशी में तुम इन लोगों के साथ शेयर करो। चलो भाई जल्दी करो, पापा इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी चलो, तुम भी आओ। ये आपको तकलीफ क्या है? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मेरी भाभी को बहुत तकलीफ है। भाभी को क्या तकलीफ है? मेरी भाभी को बच्चा होने वाला है। बच्चा? कमाल है, आप लोग हंस रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रो मत पप्पू, रो मत। ऐसा करो, तुम हमें अपनी भाभी के पास ले चलो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। जी हाँ, तो आइए फिर मेरे साथ। चलो 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 आइए। तुम्हारी भाभी कहाँ है पप्पू? ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अमोश छागला, इन लड़कियों में से शनाख्त करो कि किस लड़की ने तुम्हारी जूतों से पिटाई की थी। ये है गुरु। बहुत खूबसूरत है।
मैं बहुत खूबसूरत हूँ? नहीं नहीं। हाँ हाँ, तुम इन सब के गुरु हो? हाँ। क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपका चेला हूँ ईमान से। चलो कान पकड़ो। मैं हाँ हाँ नहीं। चलो मुर्गा बन जाओ। अब बताओ वो ताला किसने बंद किया था? मैंने बाजी। चलो जाके ताला खोलो। तुम चुप रहो। चलो सब मुर्गे बन जाओ। चलो मुर्गे बनो। तुम भी बनो। मैं तो अभी बना था भैया। जरा फिर से बन जाओ। मैंने भी मुर्गा बनना है। तू हाथी बन कंपक्त ही। वकार, बेटियों की मोहब्बत समंदर की उन लहरों की तरह होती है जो बड़ी तेजी से करीब आती हैं और आस्था से दूर चली जाती हैं। तुम भी बेटे की मोहब्बत कम कर दो। अब वो जवान हो गई है, रुखसत करने लगोगे तो बड़ी तकलीफ होगी। मगर अजी, मैं जूबी को अपने वजूद से अलग कैसे करूंगा? जैसे मैंने अपनी बेटी को किया था। आगा जी, जिसे मैं अपनी जिंदगी का सारा सरमाया सौंप दूं, ऐसा लड़का कहां से मिलेगा? वकार, माँ बाप बेटी को दुनिया की हर नेमत दे सकते हैं, उसका नसीब नहीं। किसी ने एक रिश्ता बताया है, सुना है अच्छी फैमिली है, कल वो जूबी को देखने आ रहे हैं, तुम भी उन्हें परख लेना। ब्यूटिफुल, लवली, सुपर फाइन, आपका घर बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ये आपका बेबी है? जी हाँ। हाउ क्यूट, बिल्कुल गुड़िया जैसी है। मुझे भी बहुत शौक था कि मेरी एक बेबी हो जिसे मैं अपना स्टाइल, अपनी फिगर और अपनी पर्सनैलिटी दूं। तो किसने मना किया था, कर लेती पैदा? मेरे हस्बैंड ने एक बेटा पैदा करने के बाद कहा, नो मोर डार्लिंग। आपने मेरे बंटी को देखा? जी नहीं, बहुत ही क्यूट और प्यारा बच्चा है, बाहर खड़ा है, बुलाऊं? हाँ क्यों नहीं। बंटी डार्लिंग, कम इन स्वीट हार्ट, आ जाओ ना, कम ऑन कम ऑन, यहाँ बैठो हमारे पास। देखा आपने कितना शर्मीला बच्चा है, आज तक इसने किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। क्या इसकी आंखें नहीं है? Oh, you naughty girl. बहुत खूबसूरत आंखें हैं इसकी। तुम्हें देखता क्यों नहीं है? शर्माता है। कम ऑन डार्लिंग सनी, रुमाल हटा के ऊपर देखो। ओ कम ऑन डार्लिंग, डोंट बी सो नॉटी, देखो ना। पापा, वही। मम्मी। मम्मी। गड़ाक। आपका बेटा बे इंतहा शर्मीला है। यस जी, बे इंतहा शरीफ। हाँ। आज तक किसी ने किसी लड़की को नहीं छेड़ा। नहीं, देखिए देखिए मिस्टर बकार, आप मेरे बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपका बेटा बच्चलन है। What? बदमाश है। I beg your pardon. इसने मेरी बेटी को छेड़ा था। Is it true, Sunny? सॉरी मम्मी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि ये इनकी बेटी है। बेटी किसी की भी हो, आखिर तुमने इसे छेड़ा क्यों? बोलो जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? इसे यहाँ मारने के बजाय घर जाके पट्टा डाली। पट्टा तो क्या, मैं इसको घर जाके पिंजरे में बंद करूंगी। जी हाँ। Get out, you stupid son. I'm sorry, Mr. Vicky. Very sorry. I'm sorry too. बाबा, ये लोग क्यों आए भैया? ये तुम्हें देखने। क्यों, किस लिए? बेटे, मैं तेरी शादी। क्या? बेटा, मैं चाहता हूँ कि तेरे हाथ पीले कर दूँ। बाबा, क्या आप तंग आ गए मुझसे? मैं बुरी लगने लगी हूँ आपको? घर से बाहर फेंकना चाहते हैं मुझे? अरे नहीं बेटे, दुनिया की रीत तो निभानी पड़ती है ना। क्या रस्मों के गुलाम है आप भी? बेटी मैं, आप तो मेरे आइडियल पापा थे, रूटीन के आम बाप कैसे बन गए? मुझे अपने से अलग करने का तसव्वुर भी कैसे किया आपने? बेटे, सोचा कब तक जीऊंगा? न मालूम
तेरा मेरा नाता कब टूट जाए। पापा, ये डिप्रेशन आपकी बातों में आया कहां से? आप ही कहने की हिम्मत कहां से लाए? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। फिर आपने ये बात मेरे सामने मेरे मुंह पे कैसे कह दी? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आपने मेरा दिल दुखाया है, जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती, आपसे मेरी कुट्टी कुट्टी कुट्टी। सरकार, खाना नहीं खाएंगे? जूबी कहाँ है? वो कहती हैं मैं नहीं खाऊंगी। जूबी, बेटा दरवाजा खोलो। जूबी, अपने पापा से नहीं बात करोगी? बेटा गुस्से से बोलो, शिकायत से बोलो, पर बोलो तो सही। जूबी, 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 मुकद्दर रूठा उजड़ी दुनिया मेरी, मेरा मुकद्दर रूठा उजड़ी दुनिया मेरी, मालिक मुझे उठा ले, देख ले दुनिया तेरी। दिल में कोई तमन्ना रही ना, तेरे बिना क्या जीना, तेरे बिना क्या जीना। मेरे सपनों की रानी तू है, मेरे जिंदगानी। दिल कहे तू जुदा हो कभी ना, तेरे बिना क्या जीना, तेरे बिना क्या जीना। मेरा जरा सा लूटना बर्दाश्त नहीं, और चले थे मुझे रख करने। कभी नहीं लूटूंगी। नहीं, आप वादा करें, मेरा दिल नहीं दुखाएंगे, मेरे लिए जिंदा रहेंगे, मरने का कभी नाम भी नहीं लेंगे। वादा करें ना पापा, मैं लूटू या बनू, दूर रहू या पास, बोलू या चुप रहू, आप जिंदगी से मायूस नहीं होंगे, मरने का कभी नाम भी नहीं लेंगे। आपको जीना है हजारों लाखों करोड़ों साल। वादा करें ना पापा, वादा करें ना पापा, प्रॉमिस करें। Excuse me, sir. Your telephone. Hello? Waqar Mia. Yeah, Haji, assalamu alaikum. आज वो जूबी की खाला और उसका बेटा इमरान लंदन से आ रहे हैं, आज शाम की फ्लाइट से। अच्छा जी, तो फिर क्या प्रोग्राम है? अच्छा, तो तुम यूं करो कि मैं तैयार होकर तुम्हारी तरफ आता हूँ, वहाँ से दोनों एयरपोर्ट चलेंगे, और तुम जूबी को फोन कर देना, उसको तैयार होने में वक्त लगेगा। जी बेहतर बेहतर। यस पापा। बेटे, तुम्हारी खाला और उनका बेटा इमरान आ रहा है इस फ्लाइट से। हाँ,
तुम तैयार हो जाओ, मैं लेने आता हूँ तुम्हें। आप आए पापा, मैं आपको तैयार मिलूंगी। ओके बाय बाय। ये लड़की अभी तक नहीं आई, हमेशा देर कर देती है। मैं तो समझा समझा के थक गया, अब आप समझाइए। आपने शिकायतें शुरू कर दी मेरी नानू जी। अच्छा अच्छा, आप जल्दी करो, आओ। चलो बेटा। ओह एक मिनट, अभी आई। अरे कुछ भूल गई हो तो बाजार से ले लेना बेटी। वो बाजार से मिलने वाली चीज नहीं है नानू जी, अभी आई। जी हेलो जी, विकार बोल रहा हूँ। जी हाँ। नहीं भाई अभी नहीं, मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वापस आकर रिंग करूंगा। आ गई नानू। नहीं आप तशरीफ न लाएं, मैं एयरपोर्ट से वापस आऊंगा फिर आपको टेलीफोन करूंगा। ये पापा क्या कर रहे हैं? पापा जल्दी करें ना, आप हमेशा देर कर देते हैं। चलो। हाँ बेटा मैं ही देर कर देता हूँ। अच्छा क्या लाई हो? बच्चे हर बात पूछते, चलो। पापा ये इमरान है। हाँ बेटा। नहीं नहीं इमरान इतना तो नहीं बदल सकता। अरे बेटा अम्मी ये जूबी है, मैं हैरान हूँ इतनी कैसे बदल गई। लेकिन नाना जान अगर बचपन की तस्वीर पासपोर्ट पर लगा दी जाए तो इमिग्रेशन वाले इन्हें बाहर तो नहीं जाने देंगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। और अगर इनके बचपन की तस्वीर भी कोई देख ले तो कोई कह सकता है कि ये गोलगप्पे हमारे नाना बनेंगे। आवा जी लड़ाई झगड़ा कर। उतरो बार। अरे नानू मैं तो रास्ते पर दुआएं मांगी आई हूँ कि आपके बोर से गाड़ी ना पंक्चर हो जाए। अच्छा तुम निकलो बाहर। उतर जाते हैं। आई खाला। नहीं इमरान और शहीदा मेरे साथ जाएंगे। किस खुशी में? ये कि वो मेरी बेटी है। ठीक है पापा, आप जानते हैं सुकून का पहला दुश्मन कौन था? हाँ बेटा जिसने कहा था ये तेरा ये मेरा। बिल्कुल ठीक। ठीक है नानू ले जाइए अपनों को। ले जाते हैं। चलो इमरान गाड़ी ड्राइव करो। अच्छा नाना जान। हेलो इमरान तुम गाड़ी ड्राइव करो। थैंक यू अंकल। ओके खुदा हाफिज़ एवरीबॉडी। खुदा हाफिज़। बाय बाय। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हम फॉर्म भर दिया हुए पापा, उन्हें अपने साथ ले जाना था तो हमारे टाइम क्यों वेस्ट किया। बूढ़ी सियासत कितने बालों वाली। अरे बेटा इतने नाराज होने की क्या बात है, हम उन्हें खाने पे बुला लें। हाँ ये ठीक है, इस तरह नानू की सियासत फ्लॉप हो जाएगी। बेटी ये तुम अचानक कैसे आ गई? मुझसे सुनिए नाना जान, कुछ दिन पहले अम्मी अबू में खुफिया मीटिंग चली, फिर एक दिन टिकट आ गए, फिर सामान बंधा और हम आपके घर चले आए। बेटी अखलाक के साथ तुम्हारा कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ? आप भी किसकी बातों में आ गए हैं अबू, ये शुरू को तो बात में खाम खा सस्पेंस पैदा करने की आदत है। बात ये है, मैं बताता हूँ नाना जान, ये सब मुझे फंसाने का चक्कर है। चक्कर? जी, ये खातून जो मेरी बहुत प्यारी अम्मी है चाहती है कि इस गधे की शादी कर दी जाए। जी हाँ नाना जान, इन मीटिंग में यही बात होती थी जो हमसे छुपाई जाती थी, क्योंकि अम्मी और डैडी की नजरों में हम बच्चे थे। अच्छा बच्चा,
तेरे लिए लड़की तलाश करते हैं। नाना जान, आप मेरे लिए लड़की ढूंढेंगे? हाँ। आपके चश्मे का नंबर क्या है? मेरे चश्मे का नंबर? आपके नजदीक नजर कमजोर है क्या? अरे तू कहना क्या चाहता है शरीर? लो अब सब कुछ मैं कह दूं, कुछ आप भी तो समझे नाना जान, खुदा के लिए। अरे भाई क्या समझ जाऊं? इसका इशारा जूबी की तरफ है। आउट, आई सेड आउट। रास्ते भर उसी के मुतालिक बातें करता आया है। आप कहें तो वकार भाई साथ करूं? सही ना बेटी, जूबी और इमरान दोनों मेरी आंखों का नूर है, लेकिन रिश्ते की बात करने से पहले सोच लेना चाहिए। जूबी जज्बाती लड़की है और रिश्तेदारी में जहाँ एक दूसरे का दुख दर्द बांटा जाता है, जरा सी बात निकलने पर तकलीफ भी बहुत होती है। अच्छा, thank you.
क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? अम्मी कुछ सोच रहा था। इस तरह से चल जल्दी से तैयार हो जा, जूबी ने खाने को बुलाया। ओह वेरी गुड, इसी बहाने से कब से पहले का मौका भी मिलेगा। दिखा। अम्मी कुछ भी नहीं है। दिखा ना। अम्मा कुछ भी नहीं है। मैं कह रही हूँ दिखा। तो ये बात है। जी हाँ यही बात है। यही बात है ना? जी हाँ। तो संभाल इसी बात को और तैयार हो जा। हाँ, वो आगरे वाली खाला का कोई खबर आया? छह माह पहले आया था, उनकी सास की नानी का इंतकाल हो गया। सास की नानी? जी। मेरी खाला की खाला की सास की नानी? क्या उम्र थी उनकी? नाम एक कम सौ। सौ कर लेती तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल जाता। अबू वो कुलसुम फूफो है ना, अफ्रीका में बिल्कुल सेट है, और उनके बेटे ने वहाँ की फैमिली में शादी कर ली है। हाँ खत आया था। अल्लाह अबू, उनके जो बेटे हैं ना, एक काले गलूटे बच्चे के बाप बनकर बहुत खुश है। जनाब न सिर्फ खुश है, उसे चांद कहकर बुलाते। अरे पापा इतना काला चांद। ग्रैंड लग गया था बेटे, बीच में मत बोला करो। सुना? अरे सही ना, रीना दामी का क्या है? ठीक है भैया, पिछले साल वो लंदन आई थी, हमारे यहाँ दो दिन कयाम किया, अपने सब रिश्तेदारों को याद करके बहुत रोती है, कहती है पैसे की खातिर हम जिला वतन हो गए। मफरूर जी, बोर हो गए ना हमारी बातों से। नानू
अम्मी, अरे आप दोनों इतनी जल्दी चले आए? जी हाँ, हम तो आ गए, लेकिन आप दोनों कहाँ चले गए थे? डिस्को। क्या हुआ नानू? आप डिस्को गए थे? नानू, हमारी उम्र में आप कहाँ जाया करते थे नानू? नौटंकी। नानू, कल की नौटंकी और आज के डिस्को में यही तो फर्क है। नौटंकी में लोग नाच देखने जाया करते थे और डिस्को में ला 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 ला। बस 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 बस, जाओ बेटा, आप सो जाओ। नानू, आप भी गहरी नींद सोएं और खूबसूरत ख्वाब देखें। भाई, ख्वाब देखने की उम्र तो तुम्हारी है। अच्छा नानू, शबा खैर। अच्छा अम्मी, शबा खैर। जान अबू, कल विकार भाई के घर जाकर सूफी का रिश्ता मांगू? हाँ, मेरा भी ख्याल है, मांग ही लो, वरना तो डिस्को दीवाने। ठीक है। हाँ, किसलिए फोन किया? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं करती तो बोर नहीं होती? तुम बोर हो? सर से पांव तलक। ऐसा करो, तुम गेट पर आ जाओ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, फिल्म देखने चलेंगे। ठीक है, ओके बाय। पापा, ये बेटा, इमरान फिल्म देखने को बाय, चले जाओ। हाँ, चले जाओ। थैंक यू पापा। क्यों, क्या हुआ? पापा, आज आपने इतनी जल्दी कैसे इजाजत दे दी है? कोई नया नाटक करने का तो इरादा नहीं है? नहीं बेटा, अब कोई नाटक नहीं होगा। अगेन थैंक यू पापा, बाय बाय। आदाब भैया। आओ सईदा, इतना बैठो, चाय पियोगी? शुक्रिया भैया। आपको याद होगा, आपकी शादी पर हाथ फैलाकर जूता छुपाई मांगी थी। हाँ, अच्छी तरह याद है, और 500 रुपए दे के जनाब जान छुड़ाई थी। जी भैया, आज मैं दामन फैलाकर आपसे रूबी का रिश्ता मांगती हूँ। भैया, आज अगर बाजी जिंदा होती तो इस दरख्वास्त की पैरवी के लिए मैं उनको वकील करती। भैया, मैं ये रिश्ता इसलिए जोड़ना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि बहन के घर से मेरा नाता टूटे। वकार मियां, मुट्ठी भर सिक्के उठाकर इसकी झोली में डाल दो बेटा, ताकि इस रिश्ते की नजर उतार कर गरीबों में तकसीम कर दी जाए। हाँ, कह दीजिए भैया। सईदा, बेटी कुदरत का वो अतिया है जिसकी कदर ससुराल वाले नहीं जानते। इस कलेजे के टुकड़े की कीमत उसके मां बाप जानते हैं। मेरी हां सुनकर जिंदगी भर उसकी खाला ही रहना, सास मत पर जाना, इसलिए कि सास ने बहू को माथे पर शिकन डाल कर देखा तो मर उसका बाप जाएगा। नहीं भैया, and all that stuff you thought you stole from me. I don't care, don't you believe that? Then get the hell out of here, I don't want you at my goddamn deathbed. क्या बात है, रो क्यों रही हो? तुम्हें
कुछ नहीं कहा। नहीं अंकल, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं कहा। फिल्म देख किसने रो रो के बुरा हाल लिया। कौन सी फिल्म देख रही थी? लव स्टोरी। आखिर में इतनी ट्रेजेडी थी पापा कि आंसू रोकना मुश्किल हो गए। चलो आप तो फिल्म नहीं देख रही हो, आप क्यों रो रही हो? मैं चलता हूँ, देखो रोना मत। नहीं। अच्छा अंकल, बता आप खुदा है बेटा। तुम कहाँ चली? तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने। थैंक यू पापा, मैं भी आती हूँ। अच्छा पापा, मैं सोने जा रही हूँ। हेलो, अखलाक स्पीकिंग। हेलो अखलाक, मैं बोल रही हूँ सईदा। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो, भाईजान ने हाँ कर दी है अपने रिश्ते की। जूबी के रिश्ते की शादी की बहुत जल्दी है, बस तुम आ जाओ दो हफ्ते के लिए। सईदा, अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया, वरना थोड़ी देर बाद मैं फ्लाई करने वाला था न्यूयॉर्क। ओहो, दो चार दिन के लिए भी नहीं आ सकते? सईदा प्लीज, देखो मेरा एक ही बेटा है और किस बाप का जीना चाहता कि अपने बेटे की खुशियों में शरीक हो। ओहो सईदा प्लीज, देखो तुम हो वहां पे, भाई जान है, अब्बा जान है, तुम ऐसा करो कि सब मिलकर मेरे बेटे के सर पर सेरा बांधो। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हर वक्त बिजनेस बिजनेस बिजनेस। रात को सोई? आज बहुत नींद आई पापा। और आप? मैं भी सोई। नहीं आपको नींद नहीं आई, आप जागते रहे ना। बेटे मैं सोचता रहा। किसके बारे में? इमरान के बारे में। क्या? यही कि वो क्या बनेगा क्या नहीं। पापा उसका फ्यूचर बड़ा शाइनिंग है, मैंने उसका हाथ देखा था, वैसे भी बहुत अच्छा है। अच्छा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि उसकी खूबियों के मुताबिक उसे नंबर दो तो? तो मैं उसे 100% नंबर दूंगी। शाबाश, तो फिर अपने पापा को दाद दो। किस बात की? इस बात की कि तेरे पापा ने तेरी शादी उससे तय की। आपने मुझसे पूछा तो होता, एक तरफा फैसला कैसे कर दिया आपने? मुझे बेटा अभी तो तुमने हाँ, मैंने उसकी तारीफ की है। पापा कोई शेर अच्छा लगे तो लिखने वाले को दाद दी जाती है। किसी फिल्म के अदाकार की अदाकारी को पसंद करने का अगर कोई ये मतलब निकालता है कि इंसान उस अदाकार या उस शहर से शादी करना चाहता है तो ये गलत है। मैं मानती हूँ, मैंने कहा है कि इमरान अच्छा है, वो सैकड़ों हजारों से अच्छा है, वो अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन उसे अच्छाई का सर्टिफिकेट देने का ये मतलब नहीं कि मैं उसे ब्याह रचा लूं, शौहर बनाकर उसे सर पर बिठा लूं। आई डिसएग्री पापा, मैं ये बात हरगिज नहीं मानूंगी। सॉरी पापा, वेरी सॉरी, मैं उससे शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। रूबी, बेटियों की तकदीर हमेशा हाथों से लिखी जाती है बेटा, इनकार करते हुए इतना सोच लेना कि तुम्हारा पापा इस रिश्ते की जबान दे चुका है।
की ऊंची हवेली बनो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली बनो मैं ढूंढता ढांढता आया बनो मैं ढूंढता ढांढता आया बनो तेरे शहर की लड़ियां जो महकी बनो तेरे शहर की लड़ियां जो महकी बनो मैं सूंघता सांगता आया बनो मैं सूंघता सांगता आया इस बुढ़े से इस बुढ़े से चला न जाए मेरी नकल उतारे तेरी बात अगर सच्ची है नाचो साथ हमारे न जाने आंगन टेढ़ा ओ शाबा तेरे ओ बुढ़िया शेरा ओ उठ बुढ़िया शेरा बनो तेरे घर में बजी शहनाई बनो तेरे घर में बजी शहनाई ये बुढ़ा जोड़ा झूमता जामता आया ये बुढ़ा जोड़ा झूमता जामता आया
बेटा, जिस घर से बेटी रुखसत हो वो सुर्खरू भी होता है और खाली भी। हिम्मत से काम लो। मुझे हिम्मत देने वाली तो रुखसत हो गई आगा जी। ए बेगम साहब, जिन रिश्तों को इंसान छोड़कर आता है उन्हें मिस तो करता है, मगर इतना भी क्या रोना। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपने मुझे दिल से कबूल नहीं किया। बोले नहीं या हाँ। मैं वादा करता हूँ जुबी कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पापा के प्यार के दरमियान कभी दीवार नहीं बनूंगा। कितने हसीन मोड़ पर लाई है जिंदगी, मंजिल तो खुद ही प्यार के कदमों में आ गई। कितने हसीन मोड़ पर लाई है जिंदगी, टूटे न कभी, टूटे न कभी। जानेंगे लोग अब मुझे तेरे ही नाम से, दिल को मिलेगी रोशनी जुल्फों की शाम से। कोई तेरे सिवा तुझे न कभी, तुझे न कभी, तुझे न कभी। मैं उनका शोहर हूँ, बिल्कुल असली शोहर। आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले। मैं
बाप बनने वाला हूँ। वकार बेटे, आइए डॉक्टर भाई, शशि बेटे। मैंने क्या रहा था, सोचा तुम्हारी खैरियत मालूम करता चलो। शुक्रिया। कहो बेटी ससुराल में खुश तो है? जी हाँ शुक्र है खुदा का, बहुत खुश। अबे अबे अबे, तू तो अच्छा था, ये भांड कब से बन गया? बकार बेटे, 5-10 रुपए बिदाई देकर पीछा छुड़ाओ वरना ये कान खा जाएगा। मैं आज मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। तो पागल खाना जा, यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ तो मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा। चल मैं तुझे पहुँचाऊ। अच्छा बस चुप कर। बात क्या है? देखो बकार मियाँ, तुमने अपनी बेटी से नाना कहलवा कहलवा के मुझे बूढ़ा कर दिया है। तू तो बूढ़ा है तोते। अरे बनमानस, मैंने कहा चुप हो जा। और भी हमारी बिरादरी में शामिल हो गया है। अरे ये भी नाना बनने वाला है। क्या जी भैया जी, बच्चों फैसी जूबी की गोदियाई की रस्म है ना। मत बात। सपनों की रानी तू है मेरी जिंदगानी, दिल कहे तू जुदा हो कभी ना, तेरे बिना क्या जीना, तेरे बिना क्या जीना। मेरे सपनों की रानी तू है मेरी जिंदगानी, दिल कहे तू जुदा हो कभी ना, तेरे बिना क्या जीना, तेरे बिना क्या जीना। खुशियाँ लेकर आई सूरत भोले वाले, खुशियाँ लेकर आई सूरत भोले वाले, तुझको देखूं ऐसे फूल को जैसे माले, तुझसे पहले ये दुनिया सजीना, तेरे बिना क्या जीना, तेरे बिना क्या जीना। किस्मत जागी खत्म हुई तन्हाई, सोई
किस्मत जागी खत्म हुई तन्हाई ये तस्वीर मुसाफिर ने मेरे लिए बनाई तू न हो जिंदगी जिंदगी ना तेरे बिना क्या जीना तेरे बिना क्या जीना मेरे सपनों की रानी तू है मेरी जिंदगानी दिल कहे तू जुदा हो कभी ना तेरे बिना क्या जीना तेरे बिना क्या जीना क्या बात है आज तो ऑफिस की भी छुट्टी है चलो ना पापा को मिलाए पापा 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 तुम्हारी यही एक है तंग आ गया हूं इस नाम से मैं बनने लगे शोहर जिसने पाल पोस कर बेटी तुम्हारे पल्ले बांध दी उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं आदमी एक बार सुने दो बार सुने यहां तो 100 बार सुनना पड़ता है तुम्हारे पापा का नाम हर बात के खद हो गया लेकिन मेरे प्यार की कोई हद नहीं इमरान तुम मुझे मार सकते हो पीट सकते हो लेकिन मेरे पापा के नाम पर माथे पे शिकन नहीं डाल सकते तुम मुझसे तंग आ चुके हो तो छोड़ दो मुझे तो चली जाओ मेरे पापा के पास चली जाओ यस छोड़ दो मुझे मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना तुम मुझसे नफरत करते हो यू हेट मी नो आई लव यू ज़ूबी मैं तो तुम्हें तंग कर रहा था तुम कर रहे थे गंदे चलो तुम्हारे पापा के पास चले अरे अल्लाह ना करे बेटा अकल आपका फोन क्या था अच्छा घंटी बज चले पर किसी ने उठाया नहीं तो जो भी कहने लगी चुनाव क्या चले अच्छा किया बेटा बहुत अच्छा किया हाँ पापा से नहीं मिलो बस बस अब दामाद सब कुछ हो गया बेटी कुछ भी नहीं रही वो कैसी पहले उसको क्यों गले लगाया अच्छा माफी नहीं मिलेगी नहीं आप खाना ठीक से नहीं खाते हैं खाना ठीक से खाता हूँ बेटा फिर इतने दुबले क्यों हो रहे हैं अरे बेटे मैं तो मोटा हो रहा हूँ मोटे हो रहे हैं इम्मी इम्मी तुम जाओ आज मैं पापा के पास रहूंगी अरे नहीं बेटे अच्छा नहीं लगता तुम दोनों साथ आए हो साथ कोई बात नहीं मर्द है रास्ते में से कोई अगवा नहीं करता फिर भी तुम जाओ मैं यहाँ बुरी लगती हूँ चलो इमरान हम चलते हैं अब ये मेरा नहीं इनका घर है चलो नहीं तुम आज यहीं रहोगी वाह 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 ठीक है जिन्होंने रखना है वो तो कह ही नहीं रहे तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो क्या तुम पे भी बोझ हूँ अरे यार कैसी बातें करती हो बेटा तुम जाओ कल सुबह आके चले ठीक है अंकल देखो सुबह आऊंगा प्यार है ना ठीक है अब जाना जाता हूँ अच्छा अंकल खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ बेटा बेटी एक बात बता इमरान रिश्तेदारी निभा रहा है या नहीं बब्बा उसे बहुत प्यार करता है आपकी तवक्को से भी ज्यादा तो बेटा फिर तू क्या कर रही है क्या करूं पापा मैं तो भटके रह गई हूँ आधी उधर आधी इधर इमरान जी अम्मी जान अकेले आए सूफी कहाँ है कहने लगी आज पापा के पास ही रहूंगी उसने कहा और तुम छोड़ आए देखो बेटे जब से शादी हुई है
उसने इस घर को एक दिन घर नहीं समझा। जब भी कोई दुल्हन देखने के लिए आता है उसे यही कहना पड़ता है कि वो अपने डैडी के पास है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, मैं आखिर उन्हें कहां तक जवाब दूं? बेटे तुम उसे समझाते क्यों नहीं? कोशिश तो की थी अम्मी। फिर वो अपने डैडी को इतना चाहती है कि मुझे छोड़ सकती है अपने डैडी को नहीं। बेहतर ये अम्मी किस अटैचमेंट को ना छोड़ा जाए। इसका मतलब है सूफी को तुम्हारी बीवी बनाकर फैसला मैंने गलत किया। सईदा जी, इमरान तुम अपने कमरे में जाओ। जरूरी है? श्योर। अब आपकी मर्जी। अच्छा खुदा हाफिज। सईदा मेरी समझ में इसका एक हल आता है, तुम जूबी को लंदन ले जाओ। लंदन? हाँ, वरना उसे बाप के घर से दूर इस घर की दहलीज तक महदूद रखने के लिए तुम्हें सास बनना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता कि तुम बनो। जूबी लंदन चली जाएगी तो फिर उसका बाप के घर आने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे हो जाए तो फिर इंसान माँ बाप की आवाज भी अपने रोते हुए बच्चे के आंसू पोंछ के सुनता है। बेहतर मैं कल ही भैया से बात करूंगी। नहीं सईदा, ये नहीं हो सकता। मैं बेटी से और बेटी से जुदा नहीं रह सकते। तुम इमरान को यहीं सेटल करो, वो जो कारोबार करना चाहता है करे, पैसा मैं दूंगा। तुम उसे घर दामाद बनाना चाहते हो वकार? आका जी देखो बेटा, बेटी ससुराल की नजर में मांगे का सेवर नहीं होती, जिसे थोड़ी देर के लिए लेकर लौटा दिया जाए। ये वो धन है जो दे दिया सो दे दिया, इसकी वापसी नहीं होती। भैया देखिए, आप हमें सूफी को दे चुके हैं तो प्लीज उसे लंदन जाने की इजाजत दे दीजिए। किसके लंदन जाने की बात हो रही है? अरे बेटा ये मशवरा तूने मुझे क्यों नहीं दिया? कौन सा मशवरा? पता क्या, सईदा आंटी तेरी कहती है कि मैं कारोबार समेट के ना लंदन शिफ्ट हो जाऊँ। जूबी ने तो वहाँ रहना है, मैं वहाँ जाऊँगा तो बेटी नजरों के साथ रहेगी। पापा आप मेरे लिए लंदन जाएंगे? हाँ बेटा तुम इनके साथ चलिए, वहाँ जाके ना मेरे लिए एक अच्छा सा बंगला खरीदो, बिजनेस के लिए एक दफ्तर खरीदना, फिर मैं रोज तुझसे मिलने आया करूँगा बेटा। पापा जी बेटा, आप ये सारी बातें मुझे वहाँ भेजने के लिए तो नहीं कह रहे? नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं। आप अपना घर अपना बिजनेस छोड़कर मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे? बेटा कुर्बानी का लफ्ज तो बहुत छोटा है बेटा, तेरी मोहब्बत बहुत बड़ी बहुत बड़ी। May I have your attention? Pakistan International Airlines flight PK781 to Karachi, Frankfurt, Paris and London. Please proceed to the aircraft and extinguish your cigarettes before leaving the lounge. Thank you. मेरे सपनों किनारे तू है मेरी जिंदगानी, दिल कहे तू जुदा हो गई ना, तेरे बिना क्या जीना, तेरे बिना क्या जीना। मेरे सपनों की रानी तू है मेरी जिंदगानी, दिल कहे तू जुदा हो कभी ना, तेरे बिना क्या जीना, तेरे बिना क्या जीना। आज
तन्हाई का एहसास हुआ है। तेरी बेटी को मैं इस घर से बहुत दूर छोड़ आया। इस घर के सन्नाटे में कोई आवाज नहीं आएगी। हेलो हेलो जूबी। पापा पापा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटे बेटा जोर से बोला आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो 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 बेटे पापा। हेलो पापा। ऑपरेटर देखो मेरी बेटी मुझसे बात करना चाहती है। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। दोबारा मिलो दोबारा। ये क्या औरतों जैसे मुंह बना लिया तुमने। He will be all right। क्यों मियां बेटी के साथ ड्रामा खेलते खेलते हमारे साथ भी फ्रॉड करने लगे। नहीं डॉक्टर बहुत दर्द हुआ था। और करो गम हमसे मेदा अपसेट होता है। दिल को गैस चढ़ेगी दर्द तो होगा। बेटी घर को गई है उसकी खैर मानो। ये लो शीशी दर्द हो तो एक गोली जबान के नीचे दबा लेना। वेलकम। अब मैं चलूं। थैंक यू डॉक्टर। अब मैं चलो भी। हुआ क्या था? माइल्ड हार्ट अटैक। उसका ख्याल रखना। तुझे इस्लामाबाद जाने से रोक देंगे। तू चली जाती ना तो तेरा पापा तेरी जुदाई कैसी बर्दाश्त करता। पापा आपने मेरा फाउल गेम खेली मुझे झूठ बोला मेरा दिल दुखाया मुझे रुलाया आने तक क्यों किया होगा। मैंने तुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया। ले चलो मैं जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ तू कहते नहीं मगर महसूस जरूर करते हो। एक बार ले जाकर मुझे जीते जागते पापा से मिला दो। इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी कभी कोई फरमाइश नहीं करूंगी जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। इमी प्लीज मुझे पापा के पास ले चलो। इमरान बेटा अगर जो भी परेशान है तो उसे ला लाना उसके पापा से। ओके डैड। मगर अखलाक सूबी की हालत इन दिनों सफर करने के काबिल नहीं है। वो ओहो आई नो इट। सेहरा तुम भी ठीक कहती हो। अगर इस वक्त हमें जूबी के जज्बात का साथ ना दिया तो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया
तो सारी जिंदगी के लिए जूबी के दिल में बात रह जाएगी जो मैं नहीं चाहता। इमरान बेटा, तुम जूबी से कहो कि वो पैकिंग करे और तुम आज की फ्लाइट से चले जाओ और ज्यादा इतनी खैरियत की इत्तला देना। ओके, ऑल द बेस्ट। ड्रेवरी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जल्दी कीजिए ना। थैंक यू। नहीं अंकल, मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम समझते हो मुझ में हिम्मत है। साइन कर दे बेटा, खुदा हमारे साथ है। बात पड़ जाएगी। हाँ
जाऊंगी पापा। ऐसी बातें तो नहीं, मैं मर जाऊंगा बेटा। आप सीधा रहेंगे पापा, हजारों लाखों करोड़ों बरस वादा करें पापा, वादा करें पापा, वादा करें पापा। वादा करो विक्की, मेरी बेटी की खातिर वादा करो, वादा करो, वादा करें पापा। आप सिद्ध रहेंगे मेरी बेटी के लिए, आप उसे वही प्यार देंगे जो जो आपने मुझे दिया। वादा करें ना पापा, वादा करें। जूबी, जूबी, तू जीने की कसम खा बेटा, मैं वादा करता हूं, मैं तेरी बेटी को वो प्यार दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं वादा करता हूं बेटे। थैंक यू पापा। कभी याद आओ तो रो डरे। सूबी बेटा, सूबी, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा, वादे में मुझसे यही वादा लिया था, मैं तुम्हारे बगैर जीत ही नहीं सकता, और तुम कहती हो कि मुझे जीना पड़ेगा। मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा तुम्हारे वादे के खातिर, तुम्हारे बेटी के खातिर, मैं जीऊंगा बेटे, मैं तू है मेरी जिंदगानी, दिल कहे